Good afternoon. I'm fine, you tell. God bless you, Nitesh. Good afternoon, Barkha. बच्चे वॉइस कम है, अभी आएगी जब पढ़ाऊंगी ना। आई एम वेटिंग जस्ट फॉर 2 मिनट्स कि ऑल द स्टूडेंट्स ज्वाइन। यस ऑल ओके। Good afternoon, everyone. Monica, your new name. या आप आंसर कम देते हो। अच्छा, कल के लेक्चर में किसी को कोई डाउट? आई एम फाइन। जो कंसेप्ट समझाए थे उसमें किसी को कोई डाउट? नहीं बच्चे, बुक नहीं बताई। एक्चुअली ज्योमेट्री का पोर्शन एक ही बुक क्लियर करती है। ऑल क्लियर ये भी होता है कि सब ऊपर से निकल गया। इट्स क्लियर और ऑल क्लियर नहीं, सब ऊपर से निकल गया। शिवम फ्लाईओवर बन जाता ना जब कुछ समझ नहीं आता। I'm fine, fine. अब समझ लगती है मैथ्स की? पहले आप सबको होता था ना कि हमसे होता नहीं है। मुझे सब मिल जाता है नेट पे। क्यों ज्योति का तुम एक को क्यों मिस कर रही थी? साथ में मैंने क्लास क्रिएट करने ही ऊपर आई थी। समझ आ गया सब? रियली स्टार्ट करें? ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स आ गए हैं। आज हम ज्योमेट्री कंटिन्यू करेंगे। आज मेरे पास इतना ज्यादा तो नहीं है करवाने वाला। तो बच्चे एक्चुअली ना
जो बच्चे ना पूछते हैं जैसे उनके नाम याद हो जाते हैं, जो कहते हैं हमें समझ नहीं आया, जैसे 44 है, आई थिंक ओनली 20 to 25 आर पार्टिसिपेटिंग, इसकी लिस्ट में ऊपर 3 4 बच्चे ही आते हैं। ठीक है, जब बच्चे पूछते ना तो वो खुद पता चल जाता कि हाँ ये बच्चा था मेरी क्लास में, ये था, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट किया करो कि मुझे पता चले किसे डाउट है। अगर आप बैठे रहोगे जस्ट सुनी जाओगे तो आपके डाउट क्लियर नहीं होने। जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे सुनेंगे उनके डाउट क्लियर होंगे। ओके क्या बात हो रही थी? गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अभी देखो मेरा कल का बोर्ड ही नहीं रब हुआ हुआ। हेलो सुखा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बच्चे आज हम आगे पढ़ेंगे टीचर कहते हैं उसी को, और मेरा सब्जेक्ट कुछ ऐसा है कि आप लोग मेरे सामने नहीं होते, ठीक है ना, लेकिन मुझे होता है कि आपको समझ आ जाए। देखो मैं आप सबके वहां की देख तो सकती नहीं, आप समझ कैसे कर रहे हो, मुझे है कि आपको समझ आ जाए। एडजेसेंट एंगल्स, हमारा आज का टॉपिक पहला एडजेसेंट एंगल्स। अब बाकी बातें बाद में। मुझे जोबन की बस एलसीएम वाले क्वेश्चंस बार बार पूछने पे गुस्सा आता है क्योंकि इसे एलसीएम लेना नहीं आता। मैंने आज ना ज्योमेट्री खत्म होने के बाद सबको एलसीएम में ऐड सब्ट्रैक्ट और माइनस करके सिखाना है। ठीक है जोबन, तेरा ये डाउट पक्का क्लियर कर देगा। हाँ इसे ये मानता नहीं है, इसे नहीं आता, नहीं आते। देखो तेरा हमेशा एंड में डाउट यही रहता है, ये सॉल्व कैसे हुआ। बच्चे एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स। गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, आज हमारी स्ट्रेंथ 50 पहुंच की। अच्छा सीडीएस वाले बच्चों ने बताया ही नहीं उनका पेपर कैसे गया, जो बने बिल्कुल नहीं बताया उसका भी था। फर्स्ट अटेम्प्ट था जो बन, बच्चे ऐसे एग्जाम्स ना आप देते रहा करो, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, इसलिए बैड हुआ ये हुआ, एक बार में नहीं होता। अभी आपकी कोचिंग भी इतना टाइम नहीं हुआ शुरू हुई है, आप ले रहे हो, प्रैक्टिस करो। खुद से बहुत पढ़ना पड़ता है, खुद से बहुत पढ़ना पड़ता है। यू हैव टू सर्च फॉर योर मटीरियल योर सेल्फ ऑल्सो इफ यू आर वेरी सीरियस।
30% एक टीचर का रोल होता है, 70% आपका खुद का रोल होता है। ये हर बात के लिए ध्यान रखना, 70% इज योर रोल कि आपने कैसे पढ़ा, किस हिसाब से पढ़ा। ओके, टीचर कांट कम एंड मेक यू कि ये सब ऐसे होना है, ये आपको प्रैक्टिस से आना है बच्चे, प्रैक्टिस, यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। टीचर आपको कंसेप्ट क्लियर कर सकती है, बहुत ज्यादा जरूरी। बच्चे मैथ्स की क्लासेस तो मेरे को लेके अभी मन ही हुआ था, थर्टी टू थर्टी फाइव मैंने कल किसी ने बोला था। ये देखो AOB, BOC, ये एडजेसेंट एंगल है, इसकी चार पांच कंडीशन, तीन कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर द एंगल्स टू बी एडजेसेंट। कंडीशंस क्या है एंगल एडजेसेंट हो, कंडीशंस क्या है एंगल एडजेसेंट हो, पहले कॉमन वर्टेक्स, दिस इज अ वर्टेक्स, आपकी कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन वर्टेक्स, फर्स्ट इज दिस, सेकंड वन कॉमन लाइन, एक लाइन दोनों में से में कॉमन हो, वन कॉमन लाइन, ओके। थर्ड कंडीशन क्या है बेटा, कि एंगल जो है कॉमन लाइन के बोथ साइड पे बनना चाहिए, एंगल मस्ट बी ऑन द both sides of common line, एंगल जो है कॉमन लाइन के both sides पे होना चाहिए, ठीक है बच्चे। adjacent angles की conditions करा सकते हो, करा रही हूँ कि कब हम दो एंगल्स को एडजेसेंट कह सकते हैं। दो एंगल्स कब एडजेसेंट होते हैं, जब उनकी कॉमन वर्टेक्स हो, मींस दिस चीज, दिस फ्रॉम वेयर द एंगल्स बिगिन, ये पॉइंट कॉमन हो, ठीक है, एक कॉमन लाइन हो, लाइक ओबी, ओबी इज द कॉमन लाइन, और एंगल जो है इन दोनों की, इसके दोनों साइड पे बनना चाहिए, जैसे एओबी और बीओसी ओबी के अलग अलग साइड पे, मीन ऊपर भी है और नीचे भी है, तो हम एंगल्स को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। समझ लग गई राधा, समझ लग गई, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके रिलेटेड। इज एंगल वन एंड एंगल टू आर एडजेसेंट, रिपीट, ओके आई एम रिपीटिंग। बच्चे ये एओबी और ये बीओसी है, ओ क्या है, मतलब कि इनको हम एंगल्स को एडजेसेंट क्या कहेंगे, जब उनके कॉमन वर्टेक्स हो, लाइक ओ हैज अ कॉमन वर्टेक्स, मींस उनका कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, एक कॉमन लाइन हो, ओबी क्या है, इसकी कॉमन लाइन, और एंगल बोथ साइड्स पे हो, मींस जैसे बोथ साइड्स ऑफ द कॉमन लाइन, मतलब कि एंगल जो बोथ साइड्स हो कॉमन लाइन के। अब हमने बताना है क्या एंगल वन एंड एंगल टू एडजेसेंट, मींस गवांडी, आर एंगल वन एंड एंगल, क्यों इसके बीच में, तो
कॉमन लाइन भी है, कॉमन वर्टेक्स भी है, क्यों ये एडजेसेंट नहीं है? इसके बीच में कॉमन लाइन भी है, कॉमन वर्टेक्स भी है, हेलो, तो क्यों ये वो नहीं है एडजेसेंट? नॉट दे आर नॉट द सेम एंगल्स. Must, yes. Amit is right. समझ लग गई? एवरीवन गॉट इट? रिप्लाई नहीं आ रहा, आप सब सो गए हो? एडजेसेंट भी नहीं समझ लगे, राइट? ओके, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? कंडीशन उसकी कॉमन वर्टेक्स हो, ठीक है, O is the common vertex, ठीक है, एक कॉमन लाइन हो, लाइक ओ बी इसमें क्या है, कॉमन लाइन, ठीक है, और एंगल उसकी बोथ साइड पे बने, एंगल उसकी दोनों साइड्स पे बने. अब एओबी और बीओसी हो गए कॉमन क्योंकि उसने तीनों कंडीशन मान ली. लेकिन अब इसमें देखो, इसमें कॉमन वर्टेक्स तो है, एक कॉमन लाइन नहीं है. पहली बात तो कॉमन लाइन भी नहीं है. अगर हम इसे कॉमन ले भी लेंगे सेंटर वाली लाइन को कि बीच में आ रही, तो एंगल उसकी बोथ साइड्स पे बन ही नहीं रहा. मींस ना ये कॉमन, ना ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ना ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. तो एंगल वन एंड एंगल टू इज नॉट एडजेसेंट, और नॉट एडजेसेंट. अब लगी समझ बच्चे, बोलो. ज्योतिका, रोहित, विक्टर, समझ लगी? कुछ कुछ चांदनी को नहीं लगी बच्चे, चलो. नहीं, इसमें कॉमन लाइन भी नहीं है, और दोनों अगर एक साइड हम कॉमन ले भी, हाँ, एंगल में कॉमन लाइन नहीं है उधर. एडजेसेंट एंगल्स पता चल गया, नाम क्या बता रहा है? एडजेसेंट एंगल्स की हिंदी नहीं लिखी हुई मैंने, कुछ कुछ चीजों की हिंदी लिखी थी कि हिंदी में इन्हें क्या क्या कहते हैं, इसकी नहीं लगी हुई. एडजेसेंट मीन्स उसके साथ का एंगल, मीन्स बिल्कुल कॉमन, उसमें एक कॉमन वर्टेक्स होती है, एक कॉमन लाइन होती है, और एंगल दोनों साइड्स पे बनता है. अब आप वन और टू एंगल्स में आओ बच्चे. वन और टू एंगल्स में जब आप आए हो तो आप देख रहे हो कॉमन वर्टेक्स तो है, एक तो वो एंगल कॉमन लाइन पे भी है. चलो अगर हम इस लाइन को कॉमन ले लें, इस लाइन को कॉमन ले लें, तो एंगल कॉमन लाइन पे भी है. लेकिन एंगल जो है ना कॉमन लाइन के दोनों साइड पे नहीं बन रहे, एक ही साइड पे बनी जा रहा है, तो वो एंगल एडजेसेंट नहीं हुआ. अब हमारी ओसी अगर कॉमन ले तो एंगल इस पे बना हुआ है, ठीक है. कॉमन वर्टेक्स बच्चे ये देख, ओ एओपी और बीओसी, एओबी और बीओसी, ओ पे है ना, मीन्स
दोनों एंगल्स ओ पे ही बने हैं ना, तो ओ क्या होगी इसकी कॉमन वर्टेक्स। इसी साइड इसी तरह ओ क्या इसकी कॉमन वर्टेक्स। समझ लगी व्हाट इज कॉमन वर्टेक्स। ओके, अब ओ बी एक कॉमन लाइन है, दोनों में है ए ओ बी, बी ओ सी, यस। बट ये दोनों एंगल इसकी दोनों साइड्स पे बने हुए हैं, एक ऊपर और एक नीचे। समझ लगी, लेफ्ट राइट भी बन सकते हैं, अप डाउन भी बन सकते हैं, दोनों साइड्स पे बने हुए हैं। इतना समझ लग गया इतना समझ। अब ये एडजेसेंट क्यों नहीं है, एओ सी। अब एओ बी कॉमन आ गया इसमें, और एओ इज कॉमन इन बोथ साइड्स, नहीं एओ सी एंड बी ओ सी, ओ सी इज कॉमन, वर्टेक्स इज कॉमन, ओ सी इज कॉमन, वर्टेक्स इज कॉमन। बट जो ये एंगल है ना कॉमन लाइन के दोनों साइड पे नहीं बना। अगर यहाँ पे ए इस साइड नहीं है, उसी साइड पे है दोनों, तो ये कॉमन एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। समझ लग गई, अब लगी समझ बच्चा बाटी। बच्चे अब ये देख, ओसी कॉमन है ना, ओसी कॉमन है, कॉमन लाइन, ठीक है। लेकिन इसके दोनों साइड्स पे एंगल नहीं बनाना, एक ही साइड पे बनाना, एक ही साइड पे एंगल बनाना दोनों ही, तो ये कौन से एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। लग गया समझ, गॉट इट एवरीवन। नेक्स्ट चले, अब मुझे तेरा क्वेश्चन ही समय लगा, तो खुद कंफ्यूज हो रही है बच्चा ज्योति का। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तू ना अभी से छोड़ दे, तुझे जो भी हो रहा है ना, मतलब कि मन में, अभी इसे छोड़ दे, ठीक है। अब नेक्स्ट कर, इसके रिलेटेड जब सम आएंगे ना, इन चीजों को दिमाग में रखना है, ओके। नहीं तो तू कंफ्यूज बहुत हो जाएगी। अगर कल तक फिर भी कुछ भी डाउट हुआ ना, तो दोबारा से पूछ लेना। कल हम लाइंस एंड एंगल्स आज फिनिश कर लेंगे, डिटेल में किया गया हमने लाइंस एंड एंगल्स किया था थोड़ा थोड़ा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ज्योमेट्री का करेंगे, ओके। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बच्चे कैसे जाते हैं, एंड सम ऑफ द एंगल लाइंग ऑन अ लाइन, सम ऑफ द एंगल्स लाइंग ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री। मीन एक एंगल पे, एक लाइन पे जितने मर्जी एंगल्स हों उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री।
एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन एक लाइन पे जितने मर्जी एंगल्स हो उनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। लाइन चाहे फिर ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, ऐसी हो, जैसी मर्जी लाइन हो। समझ लग गई? एवरीवन गॉट इट? सबको समझ लगी है या नहीं? सम ऑफ द एंगल्स लाइंग ऑन अ लाइन इज 180 डिग्री। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है बच्चा बाटी? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली। मुझे पता है अब जो मैं करवा रही हूँ ना वो मैंने आपको एक दिन करवाया था। आई एम जस्ट मेकिंग ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर। आप अपने नोट्स भी बना लो। सी आई हैव आल्सो मेड माय नोट्स फॉर ज्योमेट्री, मैंने भी बनाए हैं। वही देखा वही आपको मतलब की एक क्लैरिटी दे रही हूँ जो आपको शुरू से लेके एंड तक ज्योमेट्री की सारा पता चल जाए, ठीक है? इसलिए ये रिपीट हो रहा है तो ध्यान से समझना। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसकी फुल फॉर्म है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है? दो एंगल्स जो आमने सामने होते हैं एक दूसरे के, दो एंगल्स जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। एंगल्स दैट आर अपोजिट टू ईच अदर आर इक्वल। हियर 1 इज इक्वल टू 3 एंड 2 इज इक्वल टू 4। सो जो दो एंगल्स आपस में आमने सामने होते हैं वो बराबर होते हैं। एंगल अपोजिट टू ईच अदर आर इक्वल। समझ लग गई एवरीवन? ये एंगल 36 है, ये कोई नहीं हुआ। समझ लग गई? नेक्स्ट, अब आपको मैं एक लाइंस बनाऊं। याद आया कुछ? कुछ कुछ याद आया? याद आ गया? ओके, अब आप लोग लिखोगे, अब आप लोग लिखोगे, उसके बाद लिखूंगी। राइट पेयर ऑफ alternate angles, right pair of alternate angles, alternate angles के pair लिखो। right pair of alternate angles,
वारंट निर्देश क्या हो गया? नो शना, नो नो ओके ऐसे थोड़ी 3 4 5 6 लिख दे रहा है। यस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 ओके एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इन द सिमिलर वे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग पारुल, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंड नाउ टॉकिंग अबाउट ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स वो होते हैं जो जेड की शेप में बन रहे होते हैं। दीज टू एंगल्स दे आर इक्वल, दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नाउ राइट अबाउट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर ज्योति का ये भी देखो कैसे आया, ध्यान से देखना हम इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं। एंगल 1 सी हाउ वी कैन प्रूफ दीज आर इक्वल, इसका प्रूफ देख लो ओके। ये देखो एंगल 1 जो है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 ओके, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, एंगल 6 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ इफ बोथ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड्स आर इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 8 क्योंकि ये साइड इक्वल है। नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 मींस ये भी कैंसिल हो गए तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 8। समझ लगी? समझ लग गई बच्चे वो कॉरेस्पॉन्डिंग है। नाउ राइट कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स, वन एंड फाइव, थ्री एंड सेवन, टू एंड फोर एंड, वेरी गुड कोमल, वेरी गुड। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? एक छोड़ के एंगल 1 5, 2 6, 3 7, 4 8, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल। विक्टर व्हाट इज 15 26 37 48 समझ लग गई?
में हमने क्या पढ़ना है, सम ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। यस राधा, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ लग गई? बच्चे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 4 एंड 6 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 1, सम ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। इंटीरियर INTERIOR, सम ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। समझ लग गई? अब नेक्स्ट करवाऊंगा आपको। ये रिजल्ट यूनिट टू पैरेलल लाइंस में ही एग्जिस्ट करें, ये 3 पैरेलल लाइंस में भी एग्जिस्ट करता, इट्स ट्रू इन एनी नंबर ऑफ लाइंस। इट्स ट्रू इन एनी नंबर ऑफ लाइंस। लाइक अब हमारे पास है 3 पैरेलल लाइंस, 1, 2, 3 and we have 2 transversal. Then, GZ is in alternate angles, ZZF. ये तो दिस इज अ जेड, ये ऑल्टरनेट एंगल्स में बनता है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स में बनता है। बच्चे जब ऐसी कोई कंडीशन हो कि ये 3 लाइंस पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है, देन एसी बाय सीई इज इक्वल टू बीडी बाय डीएफ, ये इसके इक्वल है। यू हैव टू लर्न दिस। अगर हम AC by CE is equal to BD by DF लिख सकते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, AC अब दोनों साइड डिनोमिनेटर में AC ऐड कर दो, इधर का इधर AC is equal to BD। AC by AE is equal to BD by BF. समझ लगी? समझ लग गई? बच्चे आप पहले लिख लो, अगर हमारे पास 3 पैरेलल लाइंस हो और 2 ट्रांसवर्सल हो,
तो उनकी रेशियो बराबर होती है, जैसे ए सी बाय सी इज इक्वल टू बी डी बाय डी एफ, ओके। या फिर ए सी में पूरा ले लो ए ई, बी डी में पूरा ले लो बी ई, ए सी बाय ए ई इज इक्वल टू बी डी बाय बी ई। समझ लगी? समझ लग गई? समझ लग गई? टू ला थ्री लाइंस पैरेलल हो आपस में और टू ट्रांसवर्सल हो। बच्चे अगर वो आपस में इक्वल होंगे ना तो वो इक्वल होंगे। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास सम्स हैं, इसके साथ हमारे सारे कंसेप्ट्स हो चुके हैं। नेक्स्ट वी आर लेफ्ट विथ सम्स। किसी को कोई? हाँ जी, एनीबडी हैविंग एनी डाउट? इफ द डिस्टेंस बिटवीन लीनियर, इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस, इफ द डिफरेंस बिटवीन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 80 डिग्री देन फाइंड द एंगल्स, देन फाइंड द एंगल्स। बच्चे ज्योमेट्री के रिलेटेड होते हैं सम्स, ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ये पता नहीं होता, हर साल डिफरेंट क्वेश्चन आना है। इफ द डिफरेंस बिटवीन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 80 डिग्री देन फाइंड द एंगल्स। यस, आंसर इज राइट। करवाऊ मैं? मैं करवाती हूँ, 2 मिनट बचे। डिफरेंस बिटवीन द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, बच्चे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है,
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मींस एक लाइन पे एंगल्स लाइक कर रहे हैं, ठीक है। इधर एक्स ले लो, इधर वाई ले लो, इनका सम क्या आ जाएगा 180 डिग्री, और ये माइनस करके क्या आ जाएंगे 80 डिग्री। सॉल्विंग 2x क्या आ गया 1, 2 60, x आ गया 130, इसमें सब्स्टिट्यूट किया y आ गया 50, तो एंगल क्या आ गया 130 एंड 50। समझ लग गई? इन दोनों को ऐड किया, x प्लस वाई 180 डिग्री, x माइनस वाई। आप मैंने जैसे आपको इक्वेशन सॉल्व करने सिखाई है, आप चाहे वैसे कर लो, चाहे सिंपल ऐड किया, वाई वाई कैंसिल हो गए, 2x इज इक्वल टू 260, x आ गया डिवाइड करके 130, और वाई इसमें से जिसमें से मर्जी पुट कर लो, एक्स वाई आ जाएगा 50। समझ लग गई? सबको समझ लग गई? अरे बच्चा बोलो, समझ लग गई? In the given figure, in the given figure, हाँ जी बच्चे, आई एम सो बिजी कि मैंने आपका मैसेजेस इन बढ़ाया, मैं सो बिजी इन ड्रॉइंग द डायग्राम। अगर किसी ने कुछ पूछना था तो दोबारा से, हाँ जी दोबारा से लिख दीजिए। एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए रेशियो बी इज 2:3, देन फाइंड सी, सी फाइंड करना है। 130 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 30, दैट इज 50। बच्चे क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करो। बताएंगे आंसर अभी, और आने दो।
बच्चे 6-7 सम होमवर्क है, मेरे हैंड रिटन है, वो मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगी अभी, ये जस्ट क्लास ओवर होने के बाद। सभी ने आंसर सही दिया, एवरीवन हैज गिवन द राइट आंसर, वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी। वेरी नाइस, 126 इज द राइट आंसर। क्राउन, ओके बच्चे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे पी क्यू पे ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके अब ए, इसके बाद क्या आ गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। ये रेशियो में मीन्स 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, विच इम्प्लाइज 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब b और c एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, b और c, b कितना है 3x, मीन्स b इज इक्वल टू 3 इनटू 18, दैट इज 54, दैट इज 54 है। B plus C is 180 degree, linear pair of angles, right? C will be equal to 180 minus 54, that is equal to 126 degree. Okay, got it? Radha Victor. मानप्रीत को नहीं समझ लगा। ए प्लस बी प्लस 90 इज 180 डिग्री, इस लाइन पे आओ। ए प्लस बी प्लस 90 ये एक लाइन पे है, ये 180 डिग्री के इक्वल है, तो ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस 90, 90 के इक्वल। अब कोई भी चीज जब रेशियो में होती है तो हमें ऐसे नहीं लेते, 2x लेट द प्रोपोर्शनैलिटी एंड 3x, ओके देन 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री, हियर 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x सॉल्व किया 18। अब हमें पता है हमें c फाइंड करना है, और ये s की पे b और c लाई कर रहे हैं, b प्लस c हमारा 180 डिग्री है, हम b निकाल सकते हैं 3 इंटू 18 करके, दैट इज 54। तो इसमें पुट किया बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54, दैट इज बी की वैल्यू पुट कर दी तो सी आ जाएगा 126। समझ लगी? नेहा, विक्टर, नेक्स्ट सम करें।
शैल वी मूव टू नेक्स्ट सम, या अभी भी किसी को डाउट है? दिया सॉरी, मैंने तेरा मैसेज बाद में पढ़ा, मैं इरेज करना शुरू हो गई। आई एम सो सॉरी, अगर कोई डाउट है तो बता दो। Try to solve this question. Try to solve this question. अरे बच्चा पार्टी बोलो, कर रहे हो या बिजी हो गए करने में? ट्राई ट्राई ट्राई, शना वेरी गुड, शना नो, एक जगह पे गलती कर गई। रोहित गुड, रोहित ए सही से निकाल, तूने बी निकाल लिया है। मल्टीप्लाई करनी सीख लो। वेरी गुड रितेश, करवाऊं मैं?
जिंदा नहीं हुआ मैं करवाऊं। बच्चे पहला स्टेप ए इज इक्वल टू फोर बी, हियर आई एम सॉल्विंग। ओके ए इज इक्वल टू फोर बी, ए किसके इक्वल है, फोर बी के इक्वल। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ओके मीन यहाँ पे 4B आ गया। अब हम CDB लाइन पे आए, CD की लाइन पे 4B प्लस B प्लस 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके 5B इज इक्वल टू 105, B इज इक्वल टू 21, B 21 आ गया। इतना समझ आ गया बच्चों, इतना समझ आ गया। अब A किसके इक्वल है, 4B मीन 4 इंटू 21 दैट इज इक्वल टू 84। A भी आ गया, B भी आ गया, वी आर लेफ्ट विद सी। अब ए बी लाइन पे आओ, ए प्लस टू सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए प्लस टू सी इज इक्वल टू 180 डिग्री राइट। एंड व्हाट इज ए, 84 प्लस टू सी 180, माइनस किया टू सी 96, सी 48। समझ लग गई, बच्चे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट चले राधा, देख ए फोर बी के इक्वल है, ए फोर बी के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये देख, दिमाग लगा के सोचो, फोर बी और बी और ये 75, ये 180 डिग्री है, इसमें से हम बी निकाल सकते हैं, निकाल लिया बी। अब ए किसके इक्वल है, 4B के इक्वल, ए आ गया। अब तेरे पास ए आ गया, अब सी रह गया, जस्ट कंसंट्रेट, सी यहाँ पे है, या तो वो ए मीन दोनों साइड ए के साथ ही एंगल बना रहा है, तो फिर वहां पे पुट किया ए प्लस टू सी 180 डिग्री, ए इज 84, टू सी 180 डिग्री, टू सी की वैल्यू निकाल ली 96, सी की आ गई 48। राधा अब समझ लगी, राधा अब समझ लगी क्या, नहीं लगी। ज्योति का प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज मस्ट। बुक नहीं है ना, आज मैं क्वेश्चंस तो भेजूंगी क्या आकांक्षा, बट नो, माइनस करो 180 में से 84 को, तो गूगल में सर्च मार। क्वेश्चंस रिलेटेड टू ज्योमेट्री अकॉर्डिंग टू CDS और CAPS। मैं आज बुक की जरूरत है,
पता नहीं कोई वीएस था, मैं भूल गई बुक का नाम। वेट फॉर अ वाइल। नहीं बच्चे, आर एस अग्रवाल में ज्योमेट्री नहीं है। आर एस अग्रवाल में ज्योमेट्री नहीं है। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट। अच्छा आकांक्षा को समझ नहीं लगी थी बच्चे, लेकिन उसमें इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस कम ही मिलेंगे आपको। चाहिए जिसमें हो एमसीक्यूज। बच्चे ए फोर बी के इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो फोर बी प्लस बी प्लस बी प्लस 75 इज 180 डिग्री। बी आ जाएगा इसमें से 21। ए की वैल्यू 4 बी है, 4 × 21 निकालो। देन ए प्लस 2 सी इज 180 डिग्री। 84 प्लस 2 सी इसमें पुट करके सारा निकाल लो। ओके डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। दिस इज योर क्वेश्चन। हेयर इज बी।
रितेश, बीए बच्चे, मानसिक टू बच्चे, हेयर इज बी, हेयर इज बी, सी लुक हेयर, ए इज 126 ना लुक, बी इज के इक्वल है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यस, नाउ बी प्लस सी इज 180 डिग्री इंटीरियर एंगल्स 3x प्लस 7x 180 डिग्री 10x 180 x 18. Now what is b? B is 3 into 18, that is 54. Theek hai? Now a plus b is equal to 180 degree interior angles on the same side of transverse. So a is equal to 180 degree minus b, that is 180 minus 54, which is equal to 126. Ribka, A is 126. आप माइनस नहीं कर रहे अच्छे से, समझ लगी? इट्स ओके रिबका, मैं आपको बता रही हूं कि आपने गलत निकाला, आप समझ लो. सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट चले. वन एटी माइनस 54, बी लिखा था यहां पे, ये बी, कर दो इरेज.
वेट मैं अभी सेट कर देती हूँ। बच्चे सी एबी 40 सी 60 ईजी 50 और पूरा जो बी एच है वो 300 है। हमें फाइंड करना है बीडी, हमें फाइंड करना है बीडी। कर रहे हो यस वेरी गुड, विक्टर ने भी कर लिया। सबको आ गया समझ? एवरीवन गॉट इट? सोफिया को नहीं आया। रचना को नहीं आया, रोहित को नहीं आया, ममता को नहीं आया। वाह, कितने बच्चों को नहीं आया। हमने जो लास्ट कंसेप्ट किया था बच्चे, ये देखो हमने सीधा करना है, एसी बाय एजी इज इक्वल टू बीडी बाय बीएच। ठीक है, अब एसी क्या है? 40। एसी क्या है? 40। बीजी क्या है? 40 प्लस 60 प्लस 50, 150। ओके, बीडी हमने फाइंड करना है, बी एच क्या हमें दिया हुआ है? 300। इसे फाइंड कर लो। एसी क्या है? ये रेशियो होगी इक्वल, हमें पता है हमने ये प्रॉपर्टी की है। 40 पूरा क्या आएगा? 40 प्लस 60 प्लस 50, 150 एक्स बाय 300। सॉल्व किया, 40 बाय 150 इंटू 300 इज इक्वल टू एक्स। एक्स किसके इक्वल आ गया? 80 के इक्वल। समझ लग गई? गॉट इट? बच्चे इसके साथ हमारा आज लाइंस एंड एंगल्स खत्म होता है। आई एम सेंडिंग यू द क्वेश्चन
6 to 7 more questions. You all solve it. They are just coming. Dear students ko aa rahe hain. Everyone got the question. Try to solve them. बच्चे तो प्रैक्टिस से होगा. This all will be with practice. हाँ जी हाँ जी यू आर वेलकम एवरीवन. बच्चे आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा. यस क्लास इज ओवर. लाइंस एंड एंगल्स आर ओवर. अब हम नेक्स्ट दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे. बाय बाय. You also have a good evening.